वो पैरालाइज है, वो ना कुछ बोल सकता है, उसकी एक आंख में की पूरी रोशनी जा चुकी है जिसमें क्लॉटिंग हो चुका है। इसके बैकग्राउंड में ये हुआ था कि अम्बार को इन्वेस्टिगेट किया गया था यूनिवर्सिटी में 1 ईयर के लिए, क्योंकि पी हाइक के प्रोटेस्ट में वो भी एक पार्टिसिपेंट था, इसको लेके वो परेशान था। ये थे सईद इज़ान। इनकी बातों में इनके सगे भाई अम्मार की पीड़ा का दर्द साफ झलक रहा था। अम्मार साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के 23 वर्षीय स्टूडेंट है। 26 नवंबर 2022 से अम्मार बॉडी पैरालिसिस की स्थिति में है। वो ना ही बात कर पा रहे हैं और ना ही अपने हाथ पैर का मूवमेंट कर पा रहे हैं। इज़ान के मुताबिक उनके भाई अम्मार यूनिवर्सिटी के मिस गवर्नेंस का शिकार बन गए हैं। अम्मार और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं मालूम पड़ती है। इज़ान का आरोप ये भी है कि यूनिवर्सिटी ने पहले अम्मार के इलाज का खर्च उठाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वे इस आश्वासन से बाद में मुकर गए। पहले से मानसिक तनाव का सामना करने वाले अम्मार को यूनिवर्सिटी ने नवंबर में रस्टिकेट कर दिया था। इसके बाद अम्मार स्टूडेंट्स के मुताबिक भारी डिप्रेशन में चले गए और इसी तनाव के चलते अम्मार को 22 नवंबर को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। 4 दिनों बाद अम्मार की हालत और बिगड़ती है और उनके सिर पर सूजन निर्माण होती है, जिसके चलते उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है। आज के वीडियो में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में चल रहे प्रोटेस्ट और उसके कई पहलू, अलग अलग पहलू समझेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट अम्मार की उदासीन कहानी को उनके भाई से भी सुनेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पिछले 4-5 महीनों से घमासान मचा है। स्टाइपेंड के पैसे बढ़ाने की मांग से शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब छात्रों और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक संघर्ष का रूप ले चुका है। यूनिवर्सिटी ने 2 छात्रों को एक्सपेल और 2 छात्रों को रस्टिकेट करने का निर्णय लिया है। एक विदेशी छात्र पर फाइन भी लगाया है। खबर को आगे बताने से पहले ये बता दें कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को सार्क देश संगठित रूप से चलाते हैं। इसका निर्माण 2010 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान के छात्र अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की पढ़ाई प्रदान कर सके और देशों के बीच समन्वय भी बढ़ सके। तो अब इतने अच्छे उपक्रम में क्या दिक्कत आ सकती है? मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनिए। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी यानी साउ में MA और PhD के प्रावधान मौजूद है। यहाँ कोई डिग्री कोर्स नहीं है। यहाँ सारे सार्क देशों में स्टूडेंट आते हैं और 8 देशों के समन्वय और फंड से यूनिवर्सिटी चलती है। इसका एक ही कैंपस है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। MA के छात्रों को 5,000 रुपयों का स्टाइपेंड मिलता है, जबकि PhD के स्टूडेंट्स को 25,000 प्रतिमा इतना स्टाइपेंड मिलता है। छात्रों की मांग है कि यह स्टाइपेंड UGC के निर्धारित स्टाइपेंड से मिलता हो। UGC नेट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों को 31,000 से 35,000 के बीच स्टाइपेंड देती है, यानी साउ में मिलने वाली स्टाइपेंड 6,000 से 10,000 कम है। वहीं MA के स्टाइपेंड को 5,000 से 7,000 करने की मांग छात्र कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में हर तबके से लोग आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात समझनी चाहिए कि हर छात्र की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती, इसलिए UGC के नियमों के हिसाब से सभी छात्रों को स्टाइपेंड मिले, यही मांग छात्र कर रहे हैं। साउ ने पहले दिन से इस मांग को खारिज किया है और कहा कि स्टाइपेंड संबंधी निर्णय केवल गवर्निंग बॉडी यानी GB ले सकती है। GB में सभी सार्क देशों के प्रतिनिधि है, लेकिन साउ के GB की मीटिंग पिछले 6 वर्षों से नहीं हुई, तो आखिर छात्र जाए तो कहाँ? यूनिवर्सिटी को हमने जब कांटेक्ट किया तो उनके द्वारा यही बताया गया कि यूनिवर्सिटी ने कोई भी कार्रवाई इंटर गवर्नमेंटल रूल्स और बायलॉज के दायरे से बाहर रहकर नहीं की, और ये भी कहा कि जिन छात्रों को यूनिवर्सिटी ने निष्कासित किया उनका मामला कोर्ट में है, तो वे उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। 6 महीने पहले शुरू हुआ ये आंदोलन जब अपने 4th हफ्ते में था, तभी यूनिवर्सिटी ने उमेश और भीम नाम के 2 स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया था। द वायर ने इसके ऊपर एक वीडियो रिपोर्ट भी छापी थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन 2 छात्रों को एक्सपेल किया था उनका केस अभी दिल्ली हाईकोर्ट में प्रलंबित है। आंदोलन और तीव्र हुआ जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और 6 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की नवंबर 2022 में। इन 6 छात्रों में से एक अम्मार भी था, जिसके बाद छात्रों के मुताबिक अम्मार ने डिप्रेशन के चलते एक्सेसिव मात्रा में शराब पी ली, जिससे उसको हार्ट अटैक आ गया और उसे प्राइमस अस्पताल में दाखिल किया गया। इसके बाद अम्मार के साथ क्या हुआ, ये समझने के लिए हमने बात की अम्मार के भाई इज़ान से। सुनिए इज़ान ने क्या कहा। मेरा नाम इज़ान अहमद है
और मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। अम्मार मेरा सगा छोटा भाई है और हम लोग बिलोंग करते हैं मोतीपुर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के एक छोटे से कस्बे से। मेरे फादर वहाँ पे प्राइवेट जॉब करते थे, सडनली जो जिस फर्म में जॉब करते थे वो फर्म बंद हो गई, तो उसके बाद से उनकी तबीयत ख़राब रहने लग गई और लॉन्ग टर्म से वो बीमार रहते थे तो एक रिटायर्ड पर्सन की तरह। और मेरी मदर मेरे ब्रदर एक सेल्फ अर्निंग मेम्बर हैं, पूरे फैमिली को वो लेके चलते हैं। मैं भी यहाँ पे मास्टर्स करते के बीच में फ्रीलांस कंसल्टेंट हूँ। 23 नवंबर 2022 को मैं ऑफिस में था, मुझे कॉल आती है स्टूडेंट्स की और एक फैकल्टी मेंबर की कि अम्मार एडमिट है प्राइमस हॉस्पिटल में, आप जल्दी से आ जाइए। मैं जब वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मुझे वहाँ पे पता चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं वहाँ से, पता चलता है कि इसे कार्डिक पहले सीजर आया था, उसके बाद रात 4 बजे इसे कार्डिक अरेस्ट आया था जिसके बाद उसको CPR दिया गया। तो वो उस वक्त अनकॉन्शियस था और उस वक्त वो ICU में था, वेंटिलेटर पे था। फिर उसे ले जाया जाता है MRI कराने के लिए और MRI के टाइम मैं वहाँ पे मौजूद था। उसके फर्स्ट MRI की रिपोर्ट आती है जिसमें उसका कुछ नहीं निकलता है लेकिन स्टिल वो अनकॉन्शियस रहता है। इसके बैकग्राउंड में ये हुआ था कि अम्मार को एक्सपेल किया गया था, इन्वेस्टिगेट किया गया था यूनिवर्सिटी में 1 ईयर के लिए, क्योंकि फी हाइक के प्रोटेस्ट में वो भी एक पार्टिसिपेंट था। इसको लेके वो परेशान था, उसने घर पे नहीं बताया था। सबसे पहले जो उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसका जो यूनिवर्सिटी के लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी का लॉ जो कहता है कि सबसे पहले अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई इंटरडिसिप्लिनरी कोई भी एक्शन लेना है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, सबसे पहले शो कॉज नोटिस दिया जाता है। उस शो कॉज नोटिस में उन्होंने दिया नहीं, डायरेक्ट प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट के बाद रेस्टिगेट एंड एक्सपेल्ड। अब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आया है, बिहार के एक छोटे से जगह से आया है और उसका एम्बिशन है कुछ करने का, और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का आपस में अपने आप में एंट्रेंस क्रैक करना वो बड़ी चीज़ थी, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को रेस्टिगेट कर देना, उसको फर्स्ट ईयर में ही उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देना, अपने आप में बहुत बड़ा प्रेशर है। तो वो एक टाइप के प्रेशर में था, सोशल प्रेशर भी था, करियर का प्रेशर भी था और यूनिवर्सिटी में जो ऑनगोइंग चीज़ें थी, उसका खुद का एग्ज़ाम्स था, उसका भी प्रेशर था, उसको लेकर वो प्रेशर में था, जिसके वजह से उसको 22 तारीख को प्रॉब्लम होती है, सीजर अटैक होता है 22 तारीख को रात में 11 बजे, फिर उसको एडमिट कराया जाता है। उसके बाद वो कंटिन्यूसली 7 डेज तक, 22 से लेकर वो 25 शाम तक वो वेंटिलेटर पे रहता है। उसके बाद वो थोड़ा रिकवर होता है तो 26 सुबह को उसे वेंटिलेटर से हटा के ICU में ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है। इजान का एक और चौंकाने वाला आरोप है कि अम्मार हार्ट अटैक के बाद उभर चुका था, लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के अम्मार को ICU में मिलने के कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो पैरालाइज हो जाता है। तो 27 को सुबह हमें पता चला कि इसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करने का प्रोसेस चल रहा है। मैं नीचे रहता हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि कैसे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और एक्टिंग प्रेसिडेंट ये दोनों जाते हैं। वो लिफ्ट से भी नहीं जाते हैं, वो किसी दूसरे रास्ते से जाते हैं, स्टेयर्स से जाते होंगे क्योंकि लिफ्ट के पास मैं कंटिन्यूस खड़ा हुआ था। तो उसके बाद उसके 10 मिनट बाद मुझे ये खबर मिलती है कि अम्मार की तबीयत फिर से बिगड़ने लग गई, और जब फिर जाके मैं देखता हूँ तो वो बहुत तड़प रहा होता है और उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही होती है और उसके पूरे हाथ पैर अकड़ रहा होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने एकदम एग्जैक्ट वर्ड में उनसे कहा कि ये जो अम्मार की कंडीशन अभी है ये पहले कंडीशन नहीं थी, आप जब मिलने गए हैं उसके 10 मिनट बाद, उसके बाद से लेकर कंटिन्यू अभी तक वही कंडीशन थी कि वो पैरालाइज्ड है, वो ना कुछ बोल सकता है, उसके एक आंख में की पूरी रोशनी जा चुकी है जिसमें क्लॉटिंग हो चुका है। इतने गंभीर आरोप हुए तो हमने साऊ प्रशासन को कॉन्टैक्ट किया और उनकी बात जानने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये आरोप झूठा, निराधारी और दुर्भावनापूर्ण है। जिस दिन अम्मार को हॉस्पिटलाइज होता है उसके अगले दिन उसका इन्वेस्टिगेशन रिवोक किया जाता है, वो बैक डेट में रिवोक किया जाता है। ये कितना ये है, और जबकि उसको प्रेशर में आ गए कि जी अम्मार को कुछ हो ना जाए, हम ये दिखा सके कि हमने तो पहले कर दिया था, बट उन्होंने जो मेल किया था हॉस्टल वेकेट कराने का कि रात में 12 बजे जबकि ऑफिशियल टाइमिंग है, वर्किंग टाइमिंग है, उसके अगेंस्ट जाके रात में 12 बजे मेल आ रहा है स्टूडेंट को कि आप हॉस्टल वेकेट कीजिए अदरवाइज हम
फोर्स यूज करेंगे, हम पावर यूज करेंगे, गार्ड यूज करेंगे। और ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और मंथली जो एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 1 लाख के ऊपर जाता है मंथली, क्योंकि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, मेडिसिन, डॉक्टर विजिट, डायपर एंड ऑल सारी चीज़ों को लेकर। और चूँकि हॉस्पिटल में दिल्ली में हम फैमिली शिफ्ट करना पड़ा सिर्फ अम्मार की वजह से, अभी लेकर रखे हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों का कॉस्ट है। छात्रों से फिर हमने बात की, सभी को डर था कि यूनिवर्सिटी उन्हें भी कहीं निकाल ना दे। इस डर से कोई छात्र खुले तौर से नहीं बोल पाया, लेकिन ऑडियो के जरिए हमने उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने क्या कहा आप सुन लीजिए। मेरे को ऐसा लगता है कि पहली बात तो आई जस्ट डिवाइज्ड अ न्यू प्रोवो फॉर साउ इन द करंट सिचुएशन। साउ इज जस्ट लाइक अ जायंट एंड अ मैड एलिफेंट ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड। नोबडी नोज दिस। 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू किया, कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्ट किया, और उसके बाद कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अंडर। ये पैसा अगर आप यूनिवर्सिटी बनाएं 10 सालों में, ठीक है, पहली बात तो इतना पैसा दिया है तो उसका इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन हियर इन इंडिया इज अ बिजनेस और इट्स अ इन्वेस्टमेंट, राइट। हम तो ऐसे हैं जैसे गुलाम हैं, कॉलोनाइज्ड हैं, किसी कुछ पूछ नहीं सकते, आदमी अपना अपना काम कर रहा है, तो उसमें गरीब तो गरीब रह जाएगा, मजलूम तो मजलूम ही रह जाएगा। क्योंकि अगर मैं अच्छी फैमिली से आती हूँ, मेरा खाना पीना सही चल रहा है, मेरा साथ वाला फ्रेंड है, उसकी माँ के कंगन गिरवी हैं, और अगर मुझे लग रहा है कि उसकी स्कॉलरशिप 4-5 से 4 कर दी गई और मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ बिकॉज मैं बहुत अच्छी फैमिली से आती हूँ, तो उसका तो कोई सोशल जस्टिस तो होगा ही नहीं। छात्रों के ये भी आरोप थे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन भले ही कह रहा हो कि बिना मीटिंग यानी बिना जीबी के कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन टीचरों की एचआरए पॉलिसी अगर बिना मीटिंग के लागू हो रही है तो छात्रों की मांग पर भी मंथन और परिणाम होना चाहिए। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहने को तो 8 देशों की निर्मित है, लेकिन इसमें एक हायर ऑथोराइजिंग बॉडी की कमी है जिसके तहत निर्णय लेना मुश्किल बन जाता है। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी हमेशा कोई ना कोई डिप्लोमेटिक कारण देकर मुद्दों से दूर भागती है। खैर, अम्मार के बीमार होने के बाद से यूनिवर्सिटी ने उसका नाम रस्टिकेटेड छात्रों की सूची से हटवा दिया। छात्रों ने भी प्रदर्शन बंद किया और अम्मार के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अगर किसी को अम्मार की मदद करनी है, आर्थिक रूप से अम्मार के परिवार की मदद करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप अपनी राशि डोनेट कर सकते हैं। नमस्कार।